गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अगेन हम आज अपना सेशन लेके आए हैं हिंदू का, जो कि 9th of Feb का है। ठीक है, आज के सेशन में सर आपको बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को है। ठीक है, जो रियल में लर्निंग करना चाहता है वो ये सेशन पक्का देखे। ठीक है, ये सेशन हमारा जो है यूपीएससी के लिए भी है, और आप चाहें तो इसको SSC बैंक और स्टेट पीएससी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है निशांत पनाली और मैं करेंटली जो है एज अ सब ऑफिसर CAPF में सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, जितना टाइम भी सर मुझे मिलता है मैं ये अपना करंट अफेयर को प्रोवाइड करता हूँ, एंड देन जो भी मेरा बेस्ट आउटपुट है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। तो आज फॉर्मेट अलग है सर। ठीक है, पेपर आपने देखा ही है सर, तो पेपर में सबसे पहली न्यूज जो हम देखना चाहेंगे, अब ये एक्चुअली पेपर का अभी ये है आपका कोलकाता एडिशन। ठीक है, मैं साथ में आपको न्यूज कौन सी पढ़ने वाले हैं वो भी हाईलाइट करते रहूंगा, जिससे सर आपको ना एक आइडिया आ जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारी पहली न्यूज थी। ये फ्रंट पेज पे भी एक न्यूज है, जिसका बेसिकली ये जो फ्रंट पेज पे न्यूज है आपकी, वो बताया गया है कि कैसे कितना लोग मरे हैं, कितनी ट्रेजेडी हुई है। ठीक है, वो आप देखिएगा, लेकिन पहले मैं इस न्यूज का पूरा बैकग्राउंड आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, कुछ लोग जो नए हैं, जो यूपीएससी की तैयारी अभी करना शुरू हुए हैं, जिनको समझने में दिक्कतें होती है न्यूज, वो जान लीजिए न्यूज पढ़ने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड क्या उसका क्रक्स है वो हमें देखना बहुत जरूरी है। न्यूज पढ़ने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे सिंपल बात और सबसे ऑर्डिनरी बात वो क्या है सर, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक न्यूज सुनी, एक आम आदमी ने एक न्यूज सुनी कि भाई उत्तराखंड में क्या हुआ है, उत्तराखंड में कहीं से जो है एक बर्फ का गोला जो है, बर्फ जो है किसी पर्वत से टूट गई है और उससे क्या हुआ है पिघल के नीचे आ गई है, जिससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया है। हमने तो यही सुना है, एक नॉर्मल आदमी जो कि तैयारी नहीं कर रहा हो, एक नॉर्मल सिविलियन, वो क्या सुनेगा भाई उत्तराखंड में जो है फ्लड आ गए हैं, बाढ़ आ गई है, बाढ़ कैसे आई है, ऊपर जो है पर्वतों की बर्फ पिघल गई है, ऊपर पर्वतों की बर्फ पिघल गई है जिससे कि बाढ़ आ गई है। ठीक है, तो ये नॉर्मल आदमी का स्टैंड है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो है ये नॉर्मल आदमी का स्टैंड है। अब इस खबर को हमने पूरा देखना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए हम पीपीटी में आते हैं और वहां हम देखते हैं पहले इस खबर को। चलिए, अब क्या है ना सर, कुछ चीजें आप याद रखिए। सबसे पहली चीज, ये उत्तराखंड में कहां आई है, ये आई है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये कहां आई है, ये आई है सर आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है सर, ठीक है, जो उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये कहां, ये गढ़वाल साइड में आती है। चलिए, अब सर पहले मैं कल की न्यूज जो थी वो रिवाइज करूंगा, एंड देन उसको आज की न्यूज से अटैच करूंगा। कुछ नहीं है सर, क्या कहा गया था सर, कहा गया था एक ये पेन कुछ ज्यादा ही मोटी हो रही है, एक मिनट जरा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है, एक ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है ऑन नंदा देवी ग्लेशियर। अगर हिंदी में सामान्य से बोला जाए तो नंदा देवी ग्लेशियर से एक बर्फ का टुकड़ा, नंदा देवी ग्लेशियर से एक बर्फ का टुकड़ा टूट गया और जिससे क्या आई, जिससे आई फ्लैश फ्लड्स। समझ रहे, नंदा देवी के पहाड़ से एक बर्फ का टुकड़ा टूट गया जिससे आई फ्लैश फ्लड्स। और ये कहां कहां आई, ये दो जगह पर आई, पहली आई ऋषि गंगा में और कहां आई धौली गंगा में। समझ रहे, तो दो चीजें क्लियर हो गई अभी तक। जो एक चीज है हमारा जो बड़ा परसेप्शन, भाई साहब उत्तराखंड में बर्फ, उत्तराखंड में बाढ़ आई है सर, ये बाढ़ कैसे आई है, बाढ़ कुछ नहीं है, नंदा देवी जो एक ग्लेशियर है उसका एक बर्फ का टुकड़ा टूट गया जिससे क्या हुआ वहां पर बाढ़ आ गई और दो रिवर का जो पानी है वो बहुत बढ़ गया, एक है ऋषि गंगा, दूसरी है कौन सी, धौली गंगा। चलिए, अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट से इसमें क्या इश्यूज हुए। ठीक है, अब सर देखिए इसके अंदर बहुत गहराई है, इन चीजों इन मैटर के अंदर बहुत गहराई है, इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाया है स्पेशल करंट अफेयर वीडियो, जो कि स्पेशली उत्तराखंड फ्लड के ऊपर है, अगर एक बार अगर आप उसे देखेंगे तो इसके बारे में भी आप और अच्छे डिटेल्स में जान पाएंगे। ठीक है, अभी मैं वो पूरा कवर करूंगा तो आएगा इसमें आधा घंटा जो है इसी न्यूज में निकल जाएगा, वो मैं चाहता नहीं हूं, तो अभी मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूं आपको। बाकी अगर आपको देखना है तो 21 या 22 मिनट का मेरा एक वीडियो है सर, जो कि कल मैंने लिया था दिन के अराउंड, वो आप देखिएगा, वो आप देखेंगे आपको पूरा सिनेरियो, ये क्यों बाढ़ आ रही है,
कैसे हो रही है, उत्तराखंड में फ्रीक्वेंट बाढ़ क्यों आती है, इन सब के बारे में आपको एक अप्रोक्सी एक आइडिया लग जाएगा। और जैसे ही आपको आइडिया लग जाएगा तो आपको न्यूज पढ़ने में मजा आने लगेगा। ठीक है, आई वैसे आप लोग समझ जाने क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो क्या है, तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे भाई बर्फ का एक टुकड़ा टूट गया जिससे क्या हुआ, फ्लैश फ्लड्स आ गए। और फ्लड्स कहां कहां आए, एक ऋषिगंगा में आए, एक धौलीगंगा, ये दोनों रिवर है उत्तराखंड की। ठीक है, इसमें एक बात हम और जोड़ लेते हैं सर जी। सर एक बात क्या जोड़ते हैं सर इसमें, इसमें ये होता है ना सर, होता क्या है, मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, ये भी सारे पहाड़ है, पहाड़ जो है ना सारे आपस में जो है ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे सेमी सर्कल में पूरे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ मतलब ग्लेशियर्स है। ठीक है, अब सर धीरे धीरे क्या है ना, ग्लेशियर पिघलता है, धीरे धीरे क्या है, ग्लेशियर पिघलता है। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलता है तो यहां पर ना पानी जम जाता है, समझ रहे, बर्फ पिघली यहां पर पानी जम गया। ये पानी बाढ़ में क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करता, क्योंकि सर ग्लेशियर हल्के हल्के पिघल रहा है और पानी का क्वांटिटी इतनी नहीं है, पानी की क्वांटिटी इतनी नहीं है, जिससे क्या होता है ना, इन ग्लेशियर्स के पास कुछ क्या बन जाते हैं, लेक बन जाते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जो ज्योग्राफी जानते हैं वो, एक आता है टॉपिक ग्लेशियर लैंडफॉर्म, उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, उसमें आप जान पाएंगे ग्लेशियर लैंडफॉर्म किस कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो सब इतना समझ लीजिए कि ये एक आपका पर्वतों का जो है घेरा है, वहां से हल्के हल्के जो है बर्फ पिघल रही है ग्लेशियर से हल्के हल्के, और जो है उसके नीचे पानी इकट्ठा हो गया है। अब अभी क्या हुआ, मान लीजिए ये पीक से जो है एक बर्फ का गोला जो है यहां से वो टूट गया, इस पीक से जो है बर्फ का गोला टूट गया और वो एकदम इस नदी इस लेक पे आया, और जब इस लेक पे आया तो इस लेक का पानी जो है और ज्यादा बढ़ गया, और जब इस लेक का पानी बढ़ गया तो ये पूरा पानी नीचे आया, जिससे सर क्या हुआ, जिससे आपकी हुई फ्लड्स। समझ में आया सर आपको, जितना मैंने कहा इतना समझ में आया, एक आइडिया आया, वहां लेक पहले से था क्योंकि सर धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी हमने कर दी है कि बर्फ हमारी हिमालय से पिघल रही है, तो बर्फ तो यहाँ पिघल रही है, तो यहाँ छोटे छोटे लेक जो है वो बन जाते हैं। अब इन लेक्स में क्या हुआ है, अगर एक बर्फ का टुकड़ा ऊपर से उसने और कंट्रीब्यूट कर दिया, एक बड़ा टुकड़ा जो है नर्मदा ग्लेशियर से टूट के नीचे आया, इस लेक में के पानी को जो है उसने एकदम बढ़ा दिया, और अगर इस लेक का पानी बढ़ गया तो जितना भी पानी था वो सारा का सारा नीचे आ गया, और जिससे क्या हो गई, बाढ़ आ गई। और कौन कौन सी रिवर का जो है फ्लो बढ़ा, एक है आपकी धौलीगंगा, दूसरी कौन सी है सर आपकी, दूसरी है आपकी ऋषिगंगा। अब इससे क्या हुआ है सर, दो प्रोजेक्ट्स थे जिसमें दिक्कतें आई हैं। ऋषिगंगा में सर कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें दिक्कत आई है, ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट था, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रोजेक्ट था, जो कि आपका था 13.2 मेगावाट का। समझ में आया, तो ऋषिगंगा रिवर के आसपास एक प्रोजेक्ट था जो था हाइडल प्रोजेक्ट 13.2 मेगावाट का, और धौलीगंगा के आसपास भी एक प्रोजेक्ट था जो कि हमारी कंपनी एनटीपीसी बना रही थी, जिसका नाम था तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा मेगावाट का था, इससे कहीं ज्यादा। ठीक है, तो आई गेस अभी तक आपको कहानी समझ में आ रही है सर, मैं लिख के समझा रहा हूँ कि लिख के जो है एक स्टूडेंट के दिमाग में बहुत अच्छी तरह जो है कहानी फीड होती है, तो इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। समझिए, इसका पहला पार्ट मैं कल ले चुका हूँ, आज मैं कुछ टेक्निकल वे में आ रहा हूँ जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो दो प्रोजेक्ट थे जो कि फ्लैश की या फ्लड्स की चपेट में आए, पहला था ऋषिगंगा रिवर के पास जो था हाइड्रो प्रोजेक्ट 13.2 मेगावाट का, दूसरा था तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो कि धौलीगंगा रिवर के पास में था और ये एनटीपीसी बना रही थी। ठीक है, और ये दोनों साइड क्या हुई, ये वर्चुअली जो हो गई वॉश्ड अवे। ठीक है, ये पूरी की पूरी बह गई, और ज्यादा वर्कर्स जो है ये यहीं पर ही ट्रैप थे, बहुत ज्यादा वर्कर्स यहां पर ट्रैप हैं, और धीरे धीरे उनको निकालने की जो है प्रोसेस चल रही है, बहुत सारी डेथ्स भी हो चुकी हैं। ठीक है, हम आगे आते हैं, हमने पढ़ लिया सर नर्मदा ग्लेशियर से एक टुकड़ा टूटा वो नीचे आया, उसकी उससे फ्लड्स आ गए, फ्लड्स दो रिवर में आए, एक आए धौलीगंगा में, दूसरे आए सर ऋषिगंगा में। अब सर इससे क्या हुआ, इससे दो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स थे, एक ऋषिगंगा में जिसका नाम था क्या हाइडल प्रोजेक्ट, दूसरा था धौलीगंगा में जिसका नाम था एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट। ठीक है, इन दोनों प्रोजेक्ट को जो है बाढ़ वहां ले गई, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब क्या है ना सर,
अब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, अब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कैसे कैसे ये रिवर्स बह रही है। मैं फिर कह रहा हूं सर, ये डायरेक्शन जो मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैथ में मैं आपको इसको दिखा दूंगा, अभी सिर्फ ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। समझ लीजिए, ये एक देखिए, ये एक रिवर आपकी आती है, ये एक रिवर आपकी मान ले, ये एक रिवर है आपकी क्या, अलकनंदा, ठीक है। ये एक रिवर आपकी बहती है अलकनंदा, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, धौलीगंगा, ठीक है। अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है धौलीगंगा। और धौलीगंगा में सर क्या है, धौलीगंगा में एक रिवर मिलती है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, ठीक है। धौलीगंगा में एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम क्या है, ऋषि गंगा, ठीक है। अब ये ऋषि गंगा जो है मिलती कहां पर है, ऋषि गंगा मिलती है कहां पर, रायनी विलेज, ठीक है। ऋषि गंगा कहां मिलती है, रायनी विलेज। फिर इसके आगे जो है ना, ये धौलीगंगा जो है जाती है, और ये पूरा पास कहां से होती है, ये पास होती है वो तपोवन वाली एरिया से, कहां से पास होती है, तपोवन वाले एरिया से पास होती है। तो ऊपर से ग्लेशियर टूटा, ऋषि गंगा का बहाव बढ़ गया, ऊपर से ग्लेशियर टूटा, ऋषि गंगा का बहाव बढ़ गया, बहाव बढ़ गया, इसका बहाव बढ़ गया, तो क्या हुआ, जो कि मानिए यहां पर एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, टाइडल वाला, ये पूरा बह गया, ये पूरा बह गया, ठीक है। फिर ये रायनी के आसपास जो है धौलीगंगा से मिलती है, फिर धौलीगंगा जब मिली तो धौलीगंगा का बहाव बढ़ गया, और जब धौलीगंगा का बहाव बढ़ गया तो जो तपोवन वाला जो प्रोजेक्ट था, जो तपोवन की पूरी बेल्ट थी, ये इसको पूरा वॉश आउट करके ले गई। और इवेंचुअली ये रिवर कहां मिलती है, इवेंचुअली ये रिवर कहां मिलती है, ये मिलती है अलकनंदा में। और ये कहां मिलती है, ये मिलती है आपकी विष्णु प्रयाग। क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, अब इसको यहां मैप के दौरान ही देख लेते हैं, शायद इसमें आपकी थोड़ी नॉलेज सही हो जाए। ये गंगा का अपर पार्ट है, गंगा बद्री कैसे है, बद्रीनाथ से एक रिवर आती है जिसको हम कहते हैं अलकनंदा, बद्रीनाथ से एक रिवर आती है जिसको हम कहते हैं अलकनंदा, ठीक है। इसमें एक रिवर जुड़ती है जिसे हम कहते हैं धौलीगंगा, ठीक है। और अब समझ लीजिए यहां पर कि यहां से एक रिवर आ रही है ऊपर से, इसका नाम है क्या, ऋषि गंगा। और ये कहां मिलती है गंगा में, ये मिलती है कहां पर, ये मिलता है रायनी विलेज में। यहां पर एक प्रोजेक्ट है और यहां पर एक प्रोजेक्ट है। अब यहां से ग्लेशियर से क्या हुआ, गंगा देवी ग्लेशियर से एक टुकड़ा टूटा जिससे कि ऋषि गंगा जो है इसका फ्लो बढ़ गया। और जब ऋषि गंगा का फ्लो बढ़ा तो क्या हुआ, धौलीगंगा का फ्लो बढ़ गया, इसका फ्लो बढ़ गया, इससे क्या हुआ, ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पूरे वॉश आउट हो गए। और अल्टीमेटली ये कहां मिले, ये मिले अलकनंदा में। और जिससे अल्टीमेटली क्या हुआ, अलकनंदा का फ्लो भी जो है बढ़ गया, जिससे अल्टीमेटली क्या हुआ, अलकनंदा का फ्लो भी जो है वो बढ़ गया। आई गेस आपको तो समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन एक्सपर्ट ने कहा था कि अलकनंदा का जो फ्लो है उसको क्या किया है, कंट्रोल हो गया है, ठीक है। और नीचे की वेस्टर्न बेल्ट को, साउदर्न बेल्ट को एज सच कोई नॉट डेंजरस, साउदर्न बेल्ट के लिए डेंजरस नहीं है। आई गेस समझ में आ रहा है ना, अभी तक जो बताया मैंने आपको समझ में आया, ठीक है। एक बार पूरा ट्रायल देख लीजिए कैसे कैसे है। ये ग्लेशियर बर्स्ट हुआ रायनी विलेज में ऑफ टेम्पोरिंग गढ़वाल, ठीक है। इसमें क्या है, ये अलग मैंने देखिए क्या किया है, वॉश आउट किया है अंडर कंस्ट्रक्शन तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये देखिए जो अलकनंदा ने वॉश आउट किया है, ठीक है। चलिए ये एक मिनट ये देख लेते हैं फिलहाल, वो उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। वो कल मैंने वैसे पढ़ाया था, बाकी अभी आपको जो मैंने बताया है एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट क्या कर रहा हूँ, अलकनंदा थी उसकी ट्रिब्यूटरी है धौलीगंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी है धौलीगंगा, जो धौलीगंगा है उसमें एक रिवर आके मिलती है, कौन सी, ऋषि गंगा। ऋषि गंगा जो है ऊपर क्या हुआ, नंदा देवी ग्लेशियर में एक जो है कह सकते हैं आपका, नंदा देवी ग्लेशियर में क्या हुआ, आपका एक जो उसका टुकड़ा था वो टूटा, उसका टुकड़ा एक टूटा, और उसका टुकड़ा टूट के क्या हुआ, उसका टुकड़ा टूट के क्या हुआ, वो जो है इस लेक में जाके मिल गया, और इससे क्या हुआ, फ्लड्स आ गई। फ्लड्स आई, दो रिवर को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, पहली ऋषि गंगा, दूसरी धौलीगंगा। इन दोनों पे एक एक प्रोजेक्ट थे,
ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट और इसमें था एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, ठीक है। इन दोनों के प्रोजेक्ट थे हाइडल और तपोवन प्रोजेक्ट। ऋषिगंगा का भाव बढ़ा, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वॉश आउट हो गया। धौली गंगा में मिली जिस उससे क्या हुआ, धौली गंगा का भाव बढ़ा और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये पूरा वॉश आउट हो गया। और दर अल्टीमेटली कहां मिल गई, अलकनंदा में। और शुरू शुरू में क्या हुआ, ये भी कहा गया कि भाई साहब नीचे की बेल्ट में बड़ी दिक्कत होने वाली है जो कि आपकी यूपी की बेल्ट है, और अल्टीमेटली जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कहा कि कुछ दिनों में बारिश की शंका है, बारिश की जो है बारिश हम जो है बारिश की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जिससे जो है वाटर लेवल जो है वो कंट्रोल में ला लिया गया है, ठीक है। और बाकी गंगा का पूरा जो ये है आप देख लीजिए। फिर अलकनंदा क्या होती है, ये नीचे आती है, ये आपकी मंदाकिनी से मिलती है कहां पर, रुद्रप्रयाग में, एंड देन आपकी भागीरथी से कहां मिलती है, ये देवप्रयाग में, एंड देन वहां से गंगा बन के निकल जाती है। ये गंगा रिवर सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। ये आज मैंने न्यूज से निकाला था, ये भी देख लीजिए सर, धौली गंगा ऋषिगंगा वाटर सर्च इन टू रिवर्स आफ्टर द ग्लेशियर ब्रीच लीडिंग टू फ्लैश फ्लड्स, यही कहा पानी बढ़ गया जिससे क्या हुआ फ्लैश फ्लड्स आ गए। समझ में आया, इतना आपको समझ में आया सर, बिल्कुल आया। ये देखिए ऋषिगंगा रिवर ये है, ठीक है, ऋषिगंगा रिवर क्या है, ये है, यहां पर जो है इसका प्रोजेक्ट है, यहां पर क्या है इसका प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहां से क्या हुआ, एकदम क्या हुआ आपका वो ग्लेशियर टूटा और यहां से क्या हुआ इसका फ्लो बढ़ गया, तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये वॉश आउट हो गया। देन ये आगे गया रायनी विलेज पे धौली गंगा से मिल गया, रायनी विलेज पे धौली गंगा से मिल गया, देन धौली गंगा बन के ये आगे जा रहा है, यहां पर कौन सा प्रोजेक्ट है तपोवन वाला प्रोजेक्ट है, ये भी बह गया, एंड देन आगे जाके ये कहां मिल गया, ये आपका आगे जाके मिल गया आपका किसमें, अलकनंदा में। समझ में आया नहीं आया, एक बार दोबारा बताता हूं सर, इंपॉर्टेंट मैटर है इसलिए मैं इतनी बार रिवाइज कर रहा हूं। देखिए ऋषिगंगा रिवर है, यहां से ये आगे गया, आगे गया, ये क्या है, ये इसका फ्लैश पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट मतलब यहीं पर जो है इसका भाव बढ़ा है, यहीं पर ही जो है आपका क्या हुआ है, एक नंदा देवी से जो टुकड़ा है वो आगे आया है, यहां से नंदा देवी का टुकड़ा जो है जो पर्वत का टुकड़ा जो है टूट के आया है, यहां से क्या हुआ है इसका फ्लो बढ़ गया है, यहां से क्या हुआ है सर इसका फ्लो बढ़ गया है, ठीक है। ये देखिए रायनी विलेज है, द एरिया वेयर नंदी ग्लेशियर ब्रीच लाइकली कॉज एन एवलांच एंड ट्रिगर फ्लैश फ्लड्स इन चमोली, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा जो है कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा सर, हम किस कोई कह रहे थे कि ग्लेशियर का बस्ट आउटबस्ट हुआ है, ठीक है, ग्लेशियर आउटबस्ट हुआ है, और जो इसमें कह सकते हैं ना, इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं सर, इसमें जनरली, इसमें मैं बता रहा हूं आपको, जनरली इसमें एक हम टर्म यूज करते हैं, वो यूज करते हैं GLOF, GLOF जो टर्म इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसका मतलब क्या है कि वही बताया, देखिए एग्जांपल, ये ऐसे था, यहां पर लेक था, तो यहां से एक टुकड़ा टूटा और ये लेक में जाके जो इसमें लेक का पानी जो है बढ़ा दिया, एंड में नीचे अवलांच आ गया, मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, मतलब जो बेसिकली यहां से टुकड़ा टूटा वो पानी में आया, पानी का बहाव बढ़ा लेक का और आगे फ्लड्स आ गए, तो ये टर्म था ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं सर जी, यहां पर क्या है, अब क्या किया है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सर कि कोई ग्लेशियर लेक वहां पर नहीं था, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कोई भी ग्लेशियर लेक वहां पर नहीं था, लैंडस्लाइड की वजह से ही ये ट्रिगर हुआ है, ठीक है। अभी इसके बारे में बातें चलेंगी, ठीक है, बाकी जो मेन मुद्दा है वो हमने हाईलाइट कर लिया है। और देखिए कुछ चीजें हैं यहां पर, ये आपको पता होनी चाहिए, देखिए पॉसिबल सोर्स ये है, ये आपका रायनी विलेज है, ये ऋषिगंगा का प्रोजेक्ट है, ठीक है, देखिए ये आपका पॉसिबल सोर्स है, ये रायनी विलेज है, ये ऋषिगंगा का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये धौली गंगा रिवर है, ये तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। और पूरी सी कहानी अगर आपको अच्छे जाननी है तो आप ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इससे क्या क्या अफेक्ट आया है, पहला क्या आया है सर इससे अफेक्ट, ठीक है, इससे अफेक्ट क्या क्या आया है, पहला ये आया है कि 13.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है ऋषिगंगा का वो वॉश आउट हो गया है, 520 मेगावाट का जो है एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो है धौली गंगा रिवर पे वो वॉश आउट हो गया है, ठीक है, और बहुत लोग मिसिंग है, ठीक है, और बाकी रायनी विलेज है यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, और धौली गंगा रिवर कहां से होती है इन्होंने बताया हुआ है, जो कि होती है वसुधरा ताल से। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन उठाता है, इस पूरी न्यूज में ये पूछ लेगा कि धौली गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच
विच एरिया, तो आपको लिखना पड़ेगा वसुधरा ताल से, ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आई गेस पहली न्यूज हमारी वेल एंड गुड क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट दीजिएगा। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाना चाह रहा हूं सर, डिफरेंट मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है, डिफरेंट मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो करके ऐसे करके आपको समझ में आएगा कि न्यूज हम कौन सी पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं चाह रहा हूं, मेरा मेन मोटिव जो है यही है। चलिए अब हम दूसरी न्यूज में आ गए, तो हमारी देखिए अभी न्यूज एक ये तो सैड न्यूज है सर, वैसे यूपीएससी पूछता नहीं है लेकिन हमें कंसर्न तो होना चाहिए कि अभी भी 171 लोग जो है मिसिंग है और डेथ टॉल अभी कितना हो गया है, 26 हो गया है सर, ठीक है। लेकिन मानिए सरकारी आंकड़े हैं, आगे कितना है ये नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोदी साहब की ने राज्यसभा में स्पीच दी है, ठीक है, मोदी साहब ने राज्यसभा में स्पीच दी है, सेंटर स्टिल ओपन टू टॉक्स विद फार्मर्स सेज मिस्टर मोदी, ये हमारे मोदी साहब ने कहा है कि फार्मर्स से अभी भी हम बातें करने में जो है आगे बढ़ बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड हिज गवर्नमेंट वाज स्टिल ओपन टू टॉक्स विद फार्मर्स डिमांडिंग अ रिपील ऑफ 3 फार्म लॉज पास्ड लास्ट सितंबर, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट अभी भी फार्मर से जो है बात करने को तैयार है और हम अश्योर कर रहे हैं कि देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स विल रिमेन इन फोर्स। समझिए सर, जब देश का प्रधानमंत्री ही खुद कह रहा है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा वो नहीं जाएगा, तो किसानों को इस बात को मानना भी चाहिए, ठीक है। यही उनकी एक वन ऑफ द डिमांड में से उनकी एक डिमांड ये है कि आप लिख के दीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो नहीं बंद होगा, और ये सर प्रधानमंत्री कह रहे हैं खुलेआम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, और कहां पर कर रहे हैं, राज्यसभा में कर रहे हैं, ऐसी जगह पे जहां पर सरकार पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखती है, वहां पर झूठ मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने ये कहा है इसमें आप पढ़िएगा, इन्होंने कहा है कि बीच में जो 26 जनवरी को हुआ उससे जो है सिख कम्युनिटी का नाम जो है वो अपने नाम के लिए कोई अच्छा नहीं कर रही है। बाकी इन्होंने बताया कि सिख कम्युनिटी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हम उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं वो भूल नहीं सकते हैं, चाहे उनके जो अपने गुरु साहिब से लेकर, ठीक है, और इनकी जितने भी इन्होंने जो कह सकते हैं देश के लिए योगदान दिए हैं उन सबके बारे में बताया है। बाकी इन्होंने कहा है ये पूरे फार्मर्स गलत नहीं है, इसमें कुछ लोग हैं जो इनके बीच में घुस गए हैं और जो है वो वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने बताया है। इसके अलावा इन्होंने दो नए टर्म लिए हैं, एक है आंदोलनजीवी और दूसरा है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, ठीक है, एक है आंदोलनजीवी दूसरा है फॉरेन रिस्ट्रिक्टेड आइडियोलॉजी, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा सर, आंदोलनजीवी का मैं मतलब मैंने रखा था आपके लिए, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा सर। आंदोलनजीवी क्या होता है ना, ये बड़े ही नए टर्म है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक मिनट दीजिएगा। जो आपका आंदोलनजीवी होता है ना सर, आंदोलनजीवी वो होता है, ठीक है, आंदोलनजीवी वो होता है जो कि ना हर एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। आंदोलनजीवी वो होता है जो हर एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, मतलब मान लीजिए उनको मोदी जी ने कहा है ये वो कीड़े हैं, ये वो पैरासाइट हैं जो हर एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो आगे रखे करें या पर्दे के पीछे करें, लेकिन वो हर एक प्रोटेस्ट में जो है कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। ये इनडायरेक्टली जो है ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा सरकार की पॉलिसी के खिलाफ रहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा सरकार की पॉलिसी के खिलाफ रहते हैं, पीएम मोदी ने उनके लिए बात कही है। दूसरा कहा है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, मतलब हम देख रहे हैं सर इसमें ये जो हमारे फार्मर्स का ये चल रहा है इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन इंडिविजुअल्स के कमेंट आ रहे हैं, चाहे वो सुपरस्टार रिहाना ले लीजिए, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ले लीजिए, सब के बयान आ रहे हैं। एक पल हम कह सकते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो है कहीं ना कहीं हमारे लॉस पड़े होंगे उनको देख कर कह सकते हैं, वेरन लाइक रिहाना ने तो सिंपल से लिखा हुआ है और हम उनसे उम्मीद नहीं करते कि उन्होंने हमारे लॉस पड़े होंगे तो दूसरा उन्होंने कहा है ये एक फॉर्म ऑफ एफडीआई है। एक एफडीआई क्या होता है, एक एफडीआई होता है जो हमारे देश में आता है। दूसरा एफडीआई उन्होंने ये कहा है, ये दूसरा एफडीआई है जो क्या है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। तो ये टर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप इन टर्म को याद रखिएगा।
हाल ही के दिनों में कुछ नए टर्म्स अगर मैं बताऊं आपको, चाइना इंडिया का स्टैंड ऑफ है, उसमें एक टर्म आता है सलामी स्लाइसिंग। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है सलामी स्लाइसिंग का? किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सोचिए, इसके बारे में पढ़िएगा, सलामी स्लाइसिंग क्या होता है। अगली क्लास में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा सलामी स्लाइसिंग क्या होता है। ये डिफेंस रिलेटेड है, और बेसिकली डिफेंस से भी नहीं, ये बेसिकली चाइना से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों नए टर्म कौन से हैं? आंदोलनजीवी और फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। आंदोलनजीवी वो लोग जो कि हर एक प्रोटेस्ट में पार्ट लेते हैं, और इनको कहा गया है वो कीड़े जो कि या तो सामने से, वो पैरासाइट या तो सामने रहते हैं या वो पीछे रहते हैं पर्दे के, लेकिन कहीं ना कहीं तरह से ये पार्ट लेते हैं। दूसरा है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, ये दूसरा टाइप का FBI है, जो कि क्या है, हमारे देश की इमेज को जो है मलाइन कर रहा है या खराब कर रहा है। बाकी फार्मर्स यूनियन में जो है इस टॉक से कहा है कि ये एंटी टॉक है, इससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन मोदी जी की स्पीच है तो कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री कहीं स्पीच देता है, वो भी मोशन ऑफ थैंक्स था, कहां पर? राज्यसभा में, प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच के बाद जो एक मोशन ऑफ थैंक्स आता है, डिफरेंट डिफरेंट मोशन होते हैं उसमें मोशन ऑफ थैंक्स आता है, वहां इन्होंने ये बोला था। ठीक है, तो जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया सर? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए चार लेबर कोड्स थे, अगर किसी को याद होगा बीच में चार लेबर लॉज आए थे। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखिए अभी तक ड्राफ्ट आया है, इसका ड्राफ्ट जो है तैयार हो रहा है अभी, क्या है, इसका ड्राफ्ट जो है तैयार हो रहा है, तो अभी मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। बट ड्राफ्ट में एक बात कही है कि 4 days a week हम लोग काम जो है कर सकते हैं। ड्राफ्ट में एक बात हुई है 4 days a week हम काम कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्किंग आवर्स है ना, इसमें वर्किंग आवर्स, इस वाले बिल जो आपके बिल थे इसमें वर्किंग आवर्स जो है उसको बढ़ाने की बात भी की गई थी, जो कि 10.5 hours 10.5 घंटे से लेकर 12 घंटे कर रहे थे, 10.5 से 12 घंटे कर रहे थे आज, और उसमें एक आवर जो था वो ब्रेक था। ठीक है, तो अभी सर देखिए, अभी मैं आपसे सिंपल से कहूंगा, अभी जो भी तैयारी कर रहा है वो इसमें ना घुसे, अभी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज में ना घुसे, क्योंकि क्या है, ये चीज जो है अभी अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसी लेबर लॉ के ड्राफ्ट आ जाते हैं मैं आपको जो है इसके बारे में एक मैराथन क्लास ले लूंगा, अभी इसमें मत घुसिए, घुसेंगे दिमाग खराब होगा, अभी इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ड्राफ्ट है, और एग्जाम आने तक पॉलिसीज भी बाहर आ जाएंगी। ठीक है, बाकी वो चार जो है आपके वो बिल कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए कि वो चार जो है बिल कौन कौन से हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूं वो चार बिल कौन कौन से हैं, एक मिनट दीजिएगा, वो चार बिल कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट दीजिएगा। देखिए वो चार बिल कौन कौन से हैं ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, एक कौन सा है, कोल्ड ऑन वेजेस बिल, जो 2019 का है, बाकी सब 2020 के हैं। और जिस जो भी वर्किंग आवर्स की बात कर रहे हैं, जो कि ये वर्किंग आवर्स की बात कर रहे हैं वो इसके अंदर आता है। ठीक है, और वर्किंग वीक की बात कर रहे हैं कितने दिन काम करेंगे वो इसके अंदर आता है, तो इसका ड्राफ्ट ये तैयार कर रहे हैं। बाकी हर एक स्टेट को कहा है कि वो अपना अपना ड्राफ्ट तैयार करे, एंड जब भी इसके बारे में आगे फर्दर कुछ ड्राफ्ट तैयार होकर पब्लिकली आता है, ऑन रिकॉर्ड आता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आप चार जो कोड याद रखिए, द कोड ऑन वेजेस, द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, एंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है गाइस, चलिए तो हम दोबारा से अपने मोड में आते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हमने देख लिया सर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट दीजिएगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सच ऐसी कोई न्यूज है नहीं अभी आगे, तो हम थोड़ा पेज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 6 पेज में आ जाते हैं डायरेक्टली। अब 6 पेज बीच में सर क्या होता है ना कि स्टेट न्यूज होती है, और स्टेट न्यूज में मुझे कुछ खास दिखानी है, तो इसलिए मैं स्टेट न्यूज छोड़ के जो है आगे बढ़ गया हूं। चलिए ये देखिए, स्टेट न्यूज ही है। ठीक है, शीट शेयरिंग हो गया, ये सब पॉलिटिकल न्यूज है जो हमारे मतलब की कुछ नहीं है। ये आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, सोच रहा हूँ कि आर्टिकल्स भी पढ़ाना शुरू करूं, बट इतना टाइम होता नहीं है सर। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं न्यूज ही कवर कर लूं, वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, न्यूज नहीं छूटनी चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है आपके लिए, ये एक अच्छा चीज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि सर कौन कौन से स्टेट ने
कौन कौन से स्टेट ने एंटी काओ स्लॉटर बिल पास किया है, कौन कौन से स्टेट ने एंटी काओ स्लॉटर बिल पास किया है, पहली चार्ज तो ये है। बाकी अभी कर्नाटक ने पास किया है कहां से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से, असेंबली से, ये ऑलरेडी पास हो चुका है, काउंसिल से पास किया है। समझिए रूलिंग बीजेपी पार्टी डजंट वाज नॉट हैविंग द इनफ सीट्स इन राज्यसभा, उसके पास उतनी इनफ सीट्स नहीं थी, देन ऑल्सो ये बिल पास हो गया एमिड अपोजिशन। अपोजिशन ने हल्ला किया, प्रोटेस्ट किया, कहा कि वोटिंग करो, लेकिन वॉइस वोट से ये पास हो गया, जो कि हमारी डेमोक्रेसी का लास्ट एक साल में हम देख रहे हैं। हर एक बिल में जो है वॉइस वोट में पास कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन डिमांड कर रहा है कि भाई इसमें वोटिंग की जाए। और समझिए एक ऐसी काउंसिल में जहां पर रूलिंग पार्टी जो है उसकी कम सीटें हैं और अपोजिशन पार्टी की ज्यादा सीटें हैं, चाहे वो कोलिशन में क्यों ना हो, वहां पर अगर जो अपोजिट जिसकी ज्यादा सीटें हैं वो डिमांड करता है और प्रोटेस्ट करता है, तब भी उसके प्रोटेस्ट के एमिट्स भी ये बिल पास हो जाता है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बिल एक्चुअली क्या है, इस बिल के बारे में हम बात करेंगे। मैं पूरी हिस्ट्री लेके आया हूँ, बड़े तसल्ली से बताऊंगा सर मैं आपको इस बिल की हिस्ट्री, ठीक है। ये आर्टिकल मैं बताऊंगा पहले, ये आर्टिकल मैंने लिया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, ये आर्टिकल मैंने लिया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस से। अगर ये आर्टिकल आपने मेरे साथ पढ़ लिया तो 100% श्योर है कि आपका क्या होगा, ये जो आपका एंटी काओ स्लॉटर है बिल, ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन कर्नाटक पास्ट द कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल 2020 इन द असेंबली ऑन दिसंबर 9th एमिड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द कांग्रेस एंड द जनता दल, ठीक है। अब बिल बेसिकली क्या कर रहा है, द बिल एनविसाजेस अ बैन ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ कैटल स्लॉटर एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ऑफेंस। पहली लाइन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है सर जी, अब इज द बिल कंप्लीटली न्यू बाय इटसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं है सर, 2010 में भी ये बिल लाए थे, 2010 में भी ये बिल लाए थे, इन्होंने कहा था कि हम कैटल स्लॉटर को जो है बैन करेंगे, बट क्या हुआ 2013 में ये बिल जो है कांग्रेस ने जो है ये कह सकते हैं 2013 में क्या हुआ, ये बिल जो है आपका ये लैप्स कर गया कि गवर्नर ने इसको एक्सटेंड नहीं दिया था, और जब 2013 में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इस बिल को हटा दिया। इसके बदले उन्होंने क्या किया, इसके बदले उन्होंने एक दूसरा बिल ले आया जो कि एंटी काओ स्लॉटर बिल था, लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं था। उतना खतरनाक क्यों नहीं था, ये था कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ काओ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एक्ट 1964 दैट अलाउड काओ स्लॉटर विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, दैट अलाउड काओ स्लॉटर विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब वो क्या था, 1964 लॉ अलाउड द स्लॉटर ऑफ, मतलब बुलक का हम स्लॉटर कर सकते हैं, बफेलो मेल को हम स्लॉटर कर सकते हैं, फीमेल को हम स्लॉटर कर सकते हैं इफ इट वॉज सर्टिफाइड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी अबव द एज ऑफ 12 इयर्स इनकैपेसिटेटेड ऑफ ब्रीडिंग, मतलब ब्रीडिंग नहीं कर पाएगी और डीम्ड सिक, दैट लॉ हैज बैंड द किलिंग ऑफ एनी काउ और शीप बफेलो। इन शॉर्ट किसका स्लॉटर नहीं होगा, किसको नहीं मार सकते हम, काउ और काफ ऑफ शी बफेलो, काउ एंड काफ ऑफ शी बफेलो इसको नहीं मारेंगे। इसके अलावा हम किसे मार सकते हैं, हम मार सकते हैं बुलक को, हम मार सकते हैं बफेलो मेल को और हम मार सकते हैं बफेलो फीमेल को, मतलब बुलक और बफेलो मेल और फीमेल को हम मार सकते हैं, वो भी तब जब वो 12 साल से ऊपर का हो जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए सर ये बिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उठा के आया हूं, ये सब आपको एक जगह पे नहीं मिल पाएगा सर, चाहे आप कोई भी क्लास देख लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये इस पर ध्यान दें और आपको ये समझ में आए, इसका एक अच्छा आउटपुट निकले, ठीक है। फिर क्या हुआ सर, व्हाट हैज द काओ एंटी काओ स्लॉटर बिल रीइंट्रोड्यूस्ड, तो इसको रीइंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, इसको रीइंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है क्योंकि डिमांड थी सर बीजेपी की कि भाई साहब पूरा बैन लगाओ काओ स्लॉटर में, ऐसा नहीं है आप आधा दूरा बैन लगा रहे हो, आपने यहां तो कह दिया कि गाय को नहीं मारेंगे और काफ को नहीं मारेंगे शीप बफेलो के, बाकी बुलक को बुलक मेल को फीमेल को सबको आप मार सकते हैं अगर वो 12 साल से ऊपर हो जाए, तो ये तो गलत है ना, तो आप कुछ बिल में अंतर लाइए। तो अब ये बिल आया है, ठीक है। इस बिल में क्या है, बीफ डेफिनेशन दी हुई है, बीफ क्या है,
बीफ है एंड कैटल को डिफाइन किया गया है. बीफ क्या है? डिफाइंड द फ्लैश ऑफ कैटल इन एनी फॉर्म. कैटल का फ्लैश जो है वो बीफ है. कैटल का मीट क्या है? बीफ है. अब सर कैटल क्या है? काओ, बछड़ा मतलब गाय का बच्चा, बुल, बुलॉक, और ही और शी बफेलो बिलो द एज ऑफ 13 ईयर्स. समझ रहे हैं? काओ काओ का बछड़ा, बुल बुलॉक, और ही और शी बफेलो बिलो द एज ऑफ 13 ईयर्स. ठीक है, मतलब 13 साल से नीचे को उनको जो है हम लोग अगर मारते हैं या कुछ करते हैं तो उन्हें हम कैटल कहेंगे. 13 साल से नीचे वाले जो है कौन कौन? काओ, गाय का बछड़ा, बुल, सांड, बुलॉक, ही और शी बफेलो, इन सबको हम कहेंगे ये है. और जो पुलिस ऑफिसर है असिस्टेंट सॉरी सब इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर जो ऑफिसर है उस पर पावर है, वो सर्च करेगा, रेड करेगा, और अगर कुछ ऐसा होता है तो वो उसे जो है एकदम सीज करेगा और जल्दी से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा. और ये क्या है? ये एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है. ये क्या है? ये एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है. मतलब क्या है? विदाउट वारंट हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और पेनल्टी सर डिफरेंट डिफरेंट है, इसको आप पढ़िएगा. अभी तक मैंने बिल्कुल लंबा खींचा, अब एक डिफरेंट सोर्स में लेके आया हूँ. समझिए, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के लिए मैं आपने लेके आया हूँ, जिससे कि आपको बिल की जानकारी हो जाए. अभी तक जिन मेरे भाइयों को ये समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, ये तो पक्की बात है सर. अब पूरा समझ लेते हैं छोटे शब्दों में. इंडियन लॉ में क्या हुआ है? ये जो नया लॉ है इसमें क्या हुआ है? ओनली मेल और फीमेल बफेलो अब अभी एज ऑफ 13 कैन बी स्लॉटर्स. कितना सिंपल हो गया. बफेलो मेल और फीमेल जो 13 साल से ऊपर हो जाएंगी उन्हें ही हम मार सकते हैं. हाउएवर काओ, गाय का बछड़ा, बुल, बुलॉक आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्लॉटर. सिंपल क्या है? मेल और फीमेल बफेलो अगर वो 13 साल से ऊपर हो जाएगी उसे हम मार सकते हैं, बाकी हम किसी को नहीं मार सकते. सिंपल, मेल और फीमेल बफेलो को ही हम मार सकते हैं. दिस मीन्स दैट बीफ मीट विल बी अनअवेलेबल इन द स्टेट एंड ओनली बफेलो मीट और ये कॉग्निजिबल ऑफेंस भी है, मतलब बिना वारंट के आप इसको गिरफ्तार कर सकते हैं. अब इसके कंपैरिजन में जो बिल ऑलरेडी था जो कि कांग्रेस सरकार ने पास किया था 1964 में, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने बिल बुलॉक और बफेलो मेल और फीमेल स्लॉटर कर सकते हैं अगर वो 12 साल से ऊपर हो. तो पहले क्या था? बुल बुलॉक और बफेलो मेल और फीमेल, बुल बुलॉक बफेलो मेल और फीमेल उनको हम स्लॉटर कर सकते हैं अगर वो 12 साल से ऊपर के हो जाएं, वो भी तब जब वो किसी काम के नहीं है, वो ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, दूध नहीं दे पा रहे हैं, और एक मेडिकल जो है एक्सपर्ट जो है वो कहेगा ठीक है ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको काट सकते हैं. लेकिन उसमें क्या था? उसमें बुल बुलॉक भी शामिल थे बफेलो के अलावा. लेकिन यहां क्या है? बुल और बुलॉक को हटा दिया है, खाली क्या है? बफेलो कर दिया है, मेल या फीमेल. अंतर समझ गए आप? अब आखिरी में इसका अंतर भी लेते हैं जो अभी 2020 का है. इसमें किसे मार सकते हैं? इसमें मार सकते हैं किसे? मेल और फीमेल बफेलो को. और 1964 में क्या था? इसमें क्या था? हम इसमें मार सकते थे बुल को, बुलॉक को, और मेल और फीमेल बफेलो को. समझ रहे हैं? तो ये अंतर थे इसमें. बाकी यहां पर ये और ये हट चुका है और मेल और फीमेल बफेलो आ गया है. यहां पर एज क्या थी? यहां पर एज थी 12, यहां पर एज कर दी है 13. बस यही अंतर है इस बिल में. समझ में आ गया? एक डिफरेंट सोर्स काम कर रहा मुझे लगता है. ठीक है, चलिए तो यही पास हो गया है. कहानी समझ में आनी चाहिए और कहानी हमें इसकी पूरी समझ में आ गई है, तो इसलिए उसको हम टाटा बाय बाय कह सकते हैं. वेरी गुड सर. ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं सर. ठीक है, अब हम जो है और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक मिनट दीजिएगा सर, हम आगे बढ़ते हैं. और कौन सी न्यूज हमारे पास है? ठीक है, एक मिनट दीजिएगा. और कौन सी न्यूज हमारे पास है? ये तो नहीं है. हाँ, ये एक अच्छी न्यूज है. ठीक है, ये भी एक न्यूज है, एनवायरमेंटल की न्यूज है सर ये. ठीक है, केरला के सीएम ने क्या किया है? इट टेक्स अप सेंचुरी जोन इशू. पहले एक इशू क्या है वो समझ लीजिए, फिर हम इसके ब्रीफ बैकग्राउंड में जाएंगे कि ये इशू क्यों है. ठीक है, ठीक है.
चलिए अब इसका ब्रीफ इशू देखते हैं सर, इसका ब्रीफ इशू क्या है? कुछ नहीं है साहब, ब्रीफ इशू क्या है? ऑल ऑफ अलाई कंसर्न्स, अलाई कंसर्न्स ऑफ रेसिडेंट पिनाराई राइट्स टू पीएम। कुछ नहीं हुआ है सर, क्या डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट सर ये हुआ है, हाईलाइट कलर चेंज कर लेते हैं, सर बोल जाएंगे वरना हम, ठीक है चलिए। अब डेवलपमेंट क्या हुआ है? जो आपका मिस्टर विजयन थे उन्होंने लेटर लिखा था किसे? मोदी साहब को, कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हैज प्रिपेयर्ड रिकमेंडेशन फॉर नोटिफाइंग इको सेंसिटिव ज़ोन्स अराउंड 21 प्रोटेक्टेड एरियाज इन दिसंबर 2019। इन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी से कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इको सेंसिटिव जोन जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं 21 प्रोटेक्टिव एरियाज के अराउंड। वो हो सकता है सेंचुरी हो, वाइल्ड लाइफ एरिया हो, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरिंग जेन्युइन कंसर्न ऑफ द पीपल लिविंग इन द सेंचुरी सबमिटेड एन अमेंडेड प्रपोजल ऑन जनवरी 13, 2020। पहले उन्होंने दिसंबर 9, 2019 को भेजी थी रिपोर्ट, लेकिन बाद में उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनके रियल कंसर्न देखे और एक अमेंडेड रिपोर्ट दोबारा भेजी मोदी सरकार को, कब? 13 जनवरी 2020 को। अब जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी किसे? मोदी सरकार को। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें कहा था कि जो इकोनॉमिक इकोसेंसिटिव जोन जो है वो 88.2 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, किसके? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। किसके होना चाहिए? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 88.2 स्क्वायर मीटर के अराउंड जो होना चाहिए आपका जो है इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। बट जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने लाए हैं उस ड्राफ्ट में क्या कहा गया है? ड्राफ्ट कौन लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने जो ड्राफ्ट लाए थे उसमें सर क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि 118.59 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। मुद्दा समझ में आ गया आपको? पहले बताइए, फिर हम बताएंगे कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। आप भी कह रहे होंगे यार इतनी सी न्यूज थी तो ये लोग चल क्यों रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? प्रोटेस्ट क्या है सर? पहले तो अमेंडेड बिल देखते हैं, ठीक है। अमेंडेड में क्या हुआ है? उन्होंने कहा है भाई 82 जो है स्क्वायर किलोमीटर को आप क्या करो? इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सर क्या किया है? उन्होंने कुछ भी किया है, उन्होंने जो है कौन सी कितना वो नोटिफाई कर दिया है? उन्होंने नोटिफाई कर दिया है 118.59 स्क्वायर किलोमीटर। अब इन्होंने कम कहा था, इन्होंने ज्यादा कर दिया, तो बवाल मच गया। तो क्या हो गया साहब? बवाल मच गया। और ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है आपकी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। वायनाड से एमपी कौन है हमारे, बताइए? वायनाड से हमारे एमपी साहब है हमारे राहुल गांधी जी, ठीक है। चलिए अब इसका एक देखते हैं कि भाई साहब पहले समझते हैं कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है साहब, और दूसरा हम समझेंगे कि यहां लड़ाइयां क्यों चल रही हैं। क्या ये लोग पागल हैं? जब गवर्नमेंट ने यार इन्होंने उनका 88, गवर्नमेंट ने दिया 118, तो अच्छी बात है भाई, तुम्हारे तो हम जो है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको बचा रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ गई? चलिए दिक्कत आ गई वो भी देख लेते हैं सर, समस्या का समाधान करेंगे। पहले क्या है सर? इको सेंसिटिव जोन होता क्या है सर? ये क्या होता है? एक ऐसे फ्रजाइल एरिया होते हैं जो कि 10 किलोमीटर अराउंड होते हैं, किसके? प्रोटेक्टिव एरियाज। ये कौन से होते हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये नोटिफाई कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने किया है अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या है इसमें? क्या है? कुछ नहीं है सर, बेसिकली समझिए पहले आप, इको सेंसिटिव जोन वो है, मानिए कोई सेंचुरी है उसके आसपास का 10 किलोमीटर का इलाका वो जो है इको सेंसिटिव जोन है। तो इसको अगर हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे सर फर्क पड़ता है ना, क्या होता है? प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज होती है और कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज होती है और परमिटेड होती है। इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं? द बेसिक एम जो हम ESZ इको सेंसिटिव जोन जो हम करते हैं, इसका सर बेसिक एम कुछ नहीं होता है, इसका बेसिक एम होता है इट्स टू रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटीज अराउंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सो एज टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज ऑन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम एंड कंपासिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज। मतलब उसके आसपास कोई ऐसी एक्टिविटीज लोग ना करें जिससे कि वाइल्ड लाइफ में कोई इंपैक्ट पड़ जाए। समझ लीजिए इको सेंसिटिव जोन है, कुछ लोग पोचिंग करते हैं, शिकार करते हैं, तो वो लोग फंस जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसमें तीन एरिया होते हैं, पहला होता है आपका प्रोहिबिटेड, दूसरा होता है रेगुलेटेड और एक होता है परमिटेड, ठीक है, तीन होते हैं। अब इनके बारे में हल्का हल्का देख लेते हैं सर।
प्रोहिबिटेड में क्या होता है, कमर्शियल माइनिंग हमने बंद कर दी है, ठीक है, टूरिज्म एक्टिविटीज नहीं होती सर यहाँ पर, ठीक है, और देखिए उसके ऊपर हॉट एयर बैलून्स नहीं डालते हम लोग, ठीक है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, आप पढ़िएगा इसको एक बार, ठीक है। दूसरा क्या है, रेगुलेटेड एक्टिविटीज कौन कौन सी है, फेलिंग ऑफ ट्रीज, होटल्स, रिजॉर्ट, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक केबल्स हो गया, परमिटेड क्या है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस परमिटेड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग परमिटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग परमिटेड है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज परमिटेड है, एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटीज परमिटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए इको सेंसिटिव जोन क्या है और कौन कौन से जोन में कौन कौन सी चीजें वहां अलाउ है, कौन कौन सी रेगुलेटेड है और कौन कौन सी परमिटेड है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है, अब सर साहब गवर्नमेंट का कंसर्न यहाँ पर यह है कि भाई साहब अगर हमने आपसे मांगा 88 आप दे रहे हैं 118, तो पार्क के जो है ये पार्क है, पार्क में हमने मांगा इतना, ठीक है, हमने कितना मांगा, हमने मांगा इतना, और सर आपने कितना दिया, सर सर आपने कितना दिया, सर आपने दिया इतना, तो क्या हुआ, जो हमारे यहाँ लोग थे, जो हमारे यहाँ लोग थे उनको दिक्कत हो गई, वो अब ये पूरा का पूरा एरिया जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जो है लाइवलीहुड वहां के हिसाब से चलता है, बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड जो है यहीं पर ही चलता है, और अगर आपने यहां पर बना दिया इको सेंसिटिव जोन तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो वो करते हैं वो लोग आप प्रोहिबिटेड कर देंगे। एक बात कहूं सर, इसका सिंपल सा फैक्ट ये है, ये एक लॉबी होती है, ठीक है, माइनिंग लॉबी, खनन जिसे हम कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर बहुत सारी माइनिंग लॉबी हो सकती है, जिससे कि अगर ये इको सेंसिटिव जोन बन गया तो उस लॉबी को यहां पर माइनिंग करने में दिक्कत आ सकती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे कि सरकार यहां पर आपका वो प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि समझिए अगर बात किसी गरीब की होती और गरीब जमीन में क्या करता है, वो खेती कर लेगा, गरीब ज्यादातर जमीन में क्या करता है, खेती करेगा, और अगर हम प्रोविजंस देखें तो खेती पर अलाव है सर, अगर हम प्रोविजंस देखें ये समझिए, अगर हम प्रोविजंस देखें तो खेती पर अलाव है, खेती तो हमारी अलाव है ना, अगर खेती अलाव है तो मुझे नहीं लगता कि गरीब आदमियों को दिक्कत आनी है, ये तो उनके लिए है जो बड़ी लॉबी है जिसको वहां माइनिंग करनी है, समझ रहे, ये बड़ी लॉबी है जिसको वहां माइनिंग करनी है, ठीक है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने हैं, टूरिज्म एक्टिविटीज करनी है, ये वो लॉबी है, आई गेस आप समझ पा रहे हैं कि सर क्या क्या चल रहा है इस देश में, ठीक है। चलिए हम और आते हैं, एक न्यूज सर हमारे पास ये भी है, एक न्यूज हमारे पास ये भी है, एक बार टाइम देख लेते हैं कि कितना हमने ये समय ले लिया है, समय बहुत हो गया है आज तो, ठीक है। एक न्यूज हमारे पास क्या है सर, एक न्यूज हमारे पास ये भी है, न्यूज क्या है, तेलंगाना ने क्या किया है, 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है जंगल में जो होते हैं वो प्रोवाइड किया है, ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ये सेक्शन डिवाइड कैसे होते हैं ये देख लेते हैं, अगर कोई पोस्ट आती है तो उसमें क्या होता है, एसटी के लिए जो होता है आपका 7.5 होता है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, ठीक है, एससी के लिए क्या होता है 7.5% होता है एसटी के लिए क्राइटेरिया, एससी के लिए कितना होता है 1.15, ओबीसी के लिए कितना है 27, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि सिर्फ जनरल में होते हैं कितना होता है 10%, टोटल कितना हो गया सर 59%, आप समझिए 100 माइनस 59.50 कर लीजिए कितना बचा बताइए, डिवाइड कीजिए सर, मेरी मैथ तो खराब है, ये बचा 40.5 अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस सीट के लिए हम लोग लड़ेंगे, समझ में आया, तो कोई बात नहीं सर, ये तो सिस्टम है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, हमें इससे निराश नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जो लोग एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है हमारा ये फर्ज बनता है कि उनको हम आगे लेके जाएं, कल के दिन में आप लोग बड़े बड़े अधिकारी बन जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ ऐसा वर्ग है जो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं हो रहा है। हाँ कुछ लोग डिबेट करते हैं सर नॉर्थ इंडिया में कहते हैं या ईस्ट में, मान लीजिए कि सर ऐसा कुछ नहीं है सर, हर एक व्यक्ति समान है और हर एक व्यक्ति का आज के जमाने में जिससे पहले था ना कि छुआ छूत ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन समझिए सर आज भी महाराष्ट्र में कुछ ऐसे गांव हैं, आज भी महाराष्ट्र में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवेलेंट है और वहां के एससी एसटी जो है ना सर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां के एससी एसटी जो है फिर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं, वहां पर उनको वो इज्जत मिलती है, तो ऐसा नहीं कि कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, अभी भी कुछ जगहों पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको इसका अब्यूज जो है वो फेस कर रहे हैं, आए दिन न्यूज पढ़िए सर, आए दिन केस स्टडी आती है, इस दलित वुमेन को इतना हैरेसमेंट झेलना पड़ा, इस दलित लड़के को इतना हैरेसमेंट झेलना पड़ा, तो ये न्यूज है आपके आए दिन, ठीक है, तो केस स्टडी है, बाकी संविधान ने दिया है रिजर्वेशन तो हमारा हम ऑब्लाइज्ड है इसको मानने के लिए, और बाकी क्या कर सकते हैं हम,
और जो EWS आया था ये मोदी गवर्नमेंट ने लेके आए थे, इसमें क्या था, इसमें आर्टिकल जो है आपका 15 और 16 में नए नए क्लॉज जोड़े गए थे। पॉलिटिकल जो है आपका पॉलिटिकल के हिसाब से 15 और 16 में जो नए क्लॉज थे उसके बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी आपका हो गया सर। ठीक है सर, ये भी आपका हो गया। इससे आगे क्या है, अब हम दूसरी न्यूज देखते हैं। इससे आगे हमारे पास क्या न्यूज है सर, छोटा कर लेते हैं पहले एक बार, न्यूज पूरी कवर करेंगे ऐसा ना हो छूट जाए। रुक जाइए, छोटा करते हैं सर जी इसे। इन्होंने भी हैंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, ये भी अच्छा एक डेवलपमेंट है सर। मैं मतलब ऐसा कोई न्यूज तो नहीं है, सिर्फ एक कहने वाली बात है, तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। चाइना ने जो है सॉलिडेरिटी दिखाई है, जो इंडिया में डैमेज हुआ है या लॉस ऑफ लाइफ हुई है कहां पर, उत्तराखंड में, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा मूव है चाइना की तरफ से। ठीक है, ये दो टर्म थे, ये देखिए दो टर्म है जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, मोदी साहब की बात जवानी में देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं मोदी साहब। ठीक है, ये देखिए इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं क्या कह रहे हैं मोदी साहब। मोदी साहब कह रहे हैं सेट इंडिया वॉज नॉट मेली इट। ठीक है, कहां पर लिखा है, मोदी स्पोक अबाउट अ न्यू ब्रीड ऑफ प्रोटेस्टर्स, एक है आंदोलनजीवी व्हिच कैन बी सीन एट एवरी एजिटेशन। हर जगह दिखते हैं सर वो, जहां जहां एजिटेशन होता है वो हर जगह दिखते हैं। ये वो पैरासाइट है जो कि हर एक प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं, चाहे वो सामने हो चाहे वो पीछे हो, लेकिन भाग ये हर प्रोटेस्ट में लेते हैं। दूसरा, मैंने कहा एक नया टाइप का FDI आया है इंडिया में। वैसे FDI हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, लेकिन ये कह रहे हैं एक नया टाइप का FDI आया है इंडिया में, जिससे क्या हो रहा है, जिससे हम क्या कहते हैं फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, जो हम देख पा रहे हैं अलग अलग बाहर के सेलिब्रिटी जो है हमारे देश के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हम एक कोई नई डेमोक्रेसी नहीं है, हम कोई कल पैदा नहीं हुए, हमारी डेमोक्रेसी कोई कल नहीं बनी है। वी हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सर, और आज भी हमारे वहां हर एक कंट्री में, इवन USA, हम USA की बात करते हैं सर, मिस्टर ट्रंप को पद छोड़ना था किसके लिए, आपका बाइडन के लिए, तो वहां क्या हुआ कैपिटल में वो आपने देखा। लेकिन इंडिया में सर ने कितना भी आपसी मतभेद हमारे पास कितना भी हो, हमारे पास आपसी मतभेद कितना भी हो, लेकिन जब बात आती है इलेक्शन रिजल्ट्स की, तो हम जनता की इलेक्शन रिजल्ट का सम्मान करते हैं और हम प्रॉपरली अपनी पावर दूसरी पार्टी को हैंड ओवर करते हैं, भले हमारे आपसी मतभेद कितने भी हो, लेकिन डेमोक्रेसी आज भी इंडिया में प्रिवेल करती है और हमें इस बात में गर्व होना चाहिए। और कोई भी इंटरनेशनल नेशनल स्टार हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी के ऊपर आंच नहीं उठा सकता सर। आप खुद सोचिए, ये वो डेमोक्रेसी है, इंडिया वो डेमोक्रेसी है जहां पर एक तरफ हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे देश ने अपने किसानों को, चाहे वो किसी भी बात पे हो, प्रोटेस्ट करने की आजादी दी थी, ये जानते हुए कि उस दिन इंडिया पे हर किसी की नजरें हैं और इंडिया में देख के कि इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारा हमारा जो FDI है वो खो सकता है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना है और हर आदमी का हक है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कितने जजमेंट में कहा है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा हक है, समझ रहे हैं। बकायदा हुआ कुछ और, प्रोटेस्ट जो है वहां पर लड़ाइयां हो गई, आंदोलन हो गया या वायलेंस हुआ, वो अलग चीज है। गवर्नमेंट ने अपने एंड से डेमोक्रेसी प्रोवाइड की है और कोई भी इंटरनेशनल स्टार फोटा या मुकड़ा फर्क नहीं पड़ता, हमारी डेमोक्रेसी को जो कह सकते हैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप ही देख लीजिए सर, पिछले एक साल से जम्मू कश्मीर में, एक डेढ़ साल से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद था, वहां पर कितने केस हुए आतंकवादी, कितने केस हुए टेररिस्ट केस, वहां कितने हुए, कितने बम फटे सर वहां, पहले के मुकाबले तो कम हो गए थे। और जब गवर्नमेंट को लगा कि सिचुएशन वहां स्टेबलाइज हो गई है तो नेट खोल दिया सर। ये ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं है सर, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के चक्कर में अगर हम पड़ गए तो लोग ही बचेंगे सर वहां, समझ रहे हैं। तो ये हमारा आंतरिक मामला है और इसे हमें खुद सही करना है, जो कि करंट गवर्नमेंट करना चाह रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही डिमांड आ गई, अब ये आप ये देखिए सर, मतलब ये भी इनकी बात भी ठीक है, मैं कहीं ना कहीं इनसे भी एग्री करता हूं। ठीक है, जो हमारे फार्मर्स लॉबी है इनसे भी एग्री करता हूं। अब मोदी जी और रिकॉर्ड सर देखिए तो बात कोई पॉइंट की नहीं है सर। ठीक है, ये बात कोई पॉइंट की नहीं है और मुझे इस बात में एक ठीक भी ठीक ही लगी। अब खुद सीखिए सर, एक हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा में खड़े होकर बोल रहा है,
हमारे देश का प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा में खड़े होकर बोल रहा है कि भाई लोग मैं एमएसपी जो है बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और मुझे आप बताइए सर, आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, सरकार का कोई भी डेटा जो सरकार हाउस में रखती है वो एकदम जेन्युइन होता है, ऑथेंटिक होता है सर। याद रखिए एग्जाम में जो डेटा है लोकसभा या राज्यसभा में, जो भी डेटा सरकार आगे पेश करती है वो पूरा पूरा ऑथेंटिक होता है। और ऐसी जगह पे अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम एमएसपी बंद नहीं करेंगे, तो मतलब नहीं करेंगे। अब वाई हम उसके लिए लॉ लाएं, अपना कीमती समय वेस्ट करें, अगर एक और लॉ लाएं कि भाई लॉ है एमएसपी बंद नहीं होगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेड है वो कह रहा है कि सर एमएसपी बंद नहीं होगी, देयर इज नो पॉइंट कि आप कह रहे हैं कि लॉ लाइए। ठीक है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं करता हूं। चलिए हम आगे आते हैं सर। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा सर, एक आध न्यूज और बची है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं सर। ठीक है, ये क्या, ये कौन सी न्यूज है, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा छोटा करते हैं। आज थोड़ा नया फॉर्मेट मैंने कोशिश किया सर, तो थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा बेयर कीजिएगा सर, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा सा अच्छा आपको जो है मैं अपना तरफ से वो दे पाऊं। ठीक है, हमारे पास न्यूज कौन सी है सर, इसमें इसमें एक न्यूज है हमारे पास, कोई न्यूज दिख रही है इसमें, ये देखिए गवर्नमेंट ने पीएम स्पीच हैज नो सब्सटेंस, ये सर तो मतलब ये एक, हाँ ये एक न्यूज है हमारे पास, ये एक न्यूज थी हमारे पास। बेबी कर रही है, मैं न्यूज नहीं छोड़ रहा हूँ सर, जो पॉलिटिकल न्यूज है वो अपने काम की नहीं है। तो मेरे पास मेरे बगल में पेपर भी रखा हुआ है, आप बेबी कर रही है, बगल मेरे पेपर है, मैंने सारी न्यूज मार्क कर रखी है, क्योंकि मुझे इससे पहले पेपर पढ़ना पड़ता है। तो बेफिक्र रहिए, न्यूज नहीं छूटेंगे आपकी। ठीक है, वीके सिंह साहब समझिए, हमारे कह सकते हैं हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं और फॉर्मर आर्मी जनरल भी हैं, जनरल वीके सिंह साहब। इन्होंने सर क्या किया है, इन्होंने क्या किया है बेसिकली, ये क्या कर रहे हैं सर, कल इनका बयान आया था सर, जो लोग मेरे कल तो मैंने क्लास दी थी, तो जो लोग रेगुलरली पेपर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कल इनका बयान आया था। जिस चीज के लिए हम पिछले डेढ़ साल से लड़ रहे हैं, कह सकते हैं पिछले मई से हम लोग, जिस एक लगभग एक साल होने वाला है, पिछले एक साल से जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, मेरे ख्याल से इनके एक बयान ने कहीं ना कहीं इंडिया की पोजिशन डाउन कर दी है, मुझे ऐसा लगता है। अब इनका बयान कितना ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि ये भी एक फॉर्मल आर्मी चीफ रह चुके हैं, जनरल रह चुके हैं, शायद इनको जो है ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मेरे आइन से जो बयान इन्होंने दिया है, जो बयान इन्होंने दिया है, उस चीज से मैं नहीं एग्री करता, क्योंकि हमारा जो है पूरा का पूरा कह सकते हैं जो पॉइंट था इन्होंने खत्म कर दिया। पॉइंट खत्म क्यों कर दिया सर, इन्होंने कल क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हम तो कह रहे हैं कि चाइना ने मतलब हमारे एरिया में आके ट्रांसग्रेस किया है, हमारे एरिया में चाइना आ गया है एलएसी के, तो ये बोलते हैं कि हमारे लोग भी शायद 50 बार, समझिए ये कह रहे हैं कि हमारे लोग भी 50 बार चाइना की टेरिटरी में क्रॉस कर चुके हैं, और वो एग्जैक्टली चाइना की टेरिटरी नहीं है सर। एग्जैक्टली क्या है कि कोई बॉर्डर डिमार्केट ही नहीं किया गया है, कोई बॉर्डर डिमार्केट नहीं किया गया है, तो जहां तक लगता है इंडिया को हमारी बाउंड्री है, हम वहां तक चले जाते हैं। फर्क यह था कि चाइना की मीडिया ने अभी इसका रिपोर्ट नहीं किया, ऐसा ये कह रहे हैं सर। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बीके सिंह साहब कह रहे हैं कि चाइना की मीडिया ने कभी रिपोर्ट नहीं किया, और हमने अगर चाइना ने 10 बार हमारी जो जमीन है जिसको हम पार्ट मानते हैं वहां कदम रखा है, तो हमने 20 बार, हमने लगभग 20 बार चाइना की टेरिटरी में कदम रखा है, सॉरी 50 बार, ऐसा ये कह रहे हैं। फर्क यह है कि इंडियन मीडिया ने उसे कवर किया है, चाइना मीडिया ने उसे कवर नहीं किया है, ये इनकी कल की बात थी। और आज चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज को फट एकदम पकड़ा और क्या कहा कि हम लोग, आप लोग हमें कह रहे थे कि हम लोग इंडिया के वहां खड़े हुए हैं, तो आजकल हम आपके जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हाईवे हैं, उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि इंडिया भी पहले जो है ट्रांसग्रेस कर चुका है प्रॉपर्टी को, और अब क्या हो गया, चाइना का एक अपर हैंड हो गया। कोई ऐसा लॉजिक नहीं है सर, ये सिंपल सी न्यूज है, आपको समझ में आनी चाहिए। इससे क्या हुआ, चाइना का हैंड ऊपर हो गया। और आज के दिन में ना सर, आज के दिन में अगर हम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं या यूएन के पास जाते हैं, तो ये बयान मैटर करता है, समझिए। चाइना के लोग फूल नहीं है सर, दे हैव देयर ईयर्स ऑन अस, राइट, मूर्ख के कान हमारे तरफ ही हैं, और ऐसा बयान देना आई डोंट थिंक कि ये कोई जस्टिफिकेशन था। ठीक है, चलिए एनीवे, ये जो न्यूज थी हमारी क्लियर हो चुकी है। ये आप जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, इन्होंने पिछला एग्जाम दिया था मुझे मिलाकर, ठीक है, तो ये क्या है,
एससी आस्क गवर्नमेंट नॉट टू डू रिलेटेड विद यूपीएससी आरएफ, सब कुछ नहीं है, ये सिंपल सी न्यूज है। न्यूज क्या है कि यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने पिछले साल अगस्त में एग्जाम दिया था 2020 में, वो कह रहे हैं कि कोविड के चक्कर में, वो कह रहे हैं कि कोविड के चक्कर में हम हमारा एग्जाम गंदा हो गया, हमें एक और अटैम्प्ट दो, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वो आखिरी अटैम्प्ट है, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वो आखिरी अटैम्प्ट था, और वो बोल रहे हैं कि सर कोविड के चक्कर में हमारा एग्जाम गंदा हुआ, हम चाहते हैं कि हमारा एग्जाम दोबारा हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट से कि इतना अड़ियल मत बनिए, इतना रिजिड मत बनिए, आप सोचिए इस बारे में। और लेकिन जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि एग्जाम गंदा हुआ, आपकी तैयारी नहीं थी, तो एक क्लॉज होता है यूपीएससी में, अगर ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, अगर ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है और अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं हुई है, किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के चलते आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो आप जो है उस बार का एग्जाम मत दीजिए, एक साल का एक्सटेंशन ले लीजिए। ये क्लॉज यूपीएससी में है और कहीं ना कहीं इनकी बात जस्टिफाई भी है सर, यूपीएससी में क्लॉज है सर। उस क्लॉज में क्या है कि अगर आपका आखिरी अटेम्प्ट है एंड इफ यू आर नॉट श्योर कि यू आर गोइंग टू क्रैक एग्जाम्स प्रीलिम्स और नॉट ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, राइट, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन अप्लाई फॉर वन ईयर एक्सटेंशन बट यू वोंट बी गिविंग द एग्जाम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्जाम भी दिया और ईयर एक्सटेंशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो अभी कोई कह सकते हैं वो नहीं आया, इसमें डिसीजन नहीं आया, आता है तो डिस्कस करेंगे, अभी कोई डिसीजन इसमें नहीं आया है, ठीक है। ट्विटर से गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो है 1178 अकाउंट जो है, जो आप जो है 1178 अकाउंट जो है इसको डिलीट कीजिए, जो कि खालिस्तानी जो है बैक कर रहे हैं और जिसको कुछ पाकिस्तान भी बैक कर रहा है, और ये अकाउंट किसके हैं, ये अकाउंट कुछ रिलेटेड है किससे, फार्मर प्रोटेस्ट से। तो ये क्या है, ये क्या डेवलपमेंट है, इसके बारे में एक बार देखते हैं सर, ठीक है। ये डेवलपमेंट क्या है, कुछ नहीं है, एज पर द इंडियन एक्ट, इंडियन आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69, इंडियन आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69A, इससे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिसर ऑथराइज है वो किसी भी इंटरमीडिएट को या किसी भी एजेंसी को ये डायरेक्ट कर सकता है कि इस चीज को आप ब्लॉक करो, एक्सेस के लिए इस चीज को ब्लॉक करो, जिससे कि पब्लिक इसका एक्सेस नहीं कर पाए और ये चीज फैलनी नहीं चाहिए, ना ही ट्रांसमिटेड होनी चाहिए, ना ट्रांसमिट होनी चाहिए, ना फैलनी चाहिए। जब उसे लगता है कि हमारे स्टेट की, हमारी कंट्री की डिफेंस में जो है लैप्स हो सकता है, सिक्योरिटी में खतरा आ सकता है और सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी में खतरा आ सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके बिहाफ में कोई ऐसा ऑफिसर, वो क्या है, किसी भी वेबसाइट को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, इंटरमीडिएट्स को या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को ये आदेश दे सकता है, जब उसे लगे कि देश की अखंडता और प्रभुता में फर्क दिक्कत हो सकती है या देश की डिफेंस में दिक्कत हो सकती है, आंतरिक सुरक्षा में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वो क्या करेगा, इनसे कहेगा कि जो भी कंटेंट है इसका सर्कुलेशन फौरन रोकिए और जो है इसको ब्लॉक कीजिए, पब्लिक इसको एक्सेस नहीं कर पाए, ये कह सकता है। और इसी को इनवोक कहते हैं 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर सोर्स, ठीक है। अगर इसको आप कंप्लाइन नहीं करेंगे तो आपको पीनल एक्शंस के तौर पर भुगतना पड़ेगा, 7 साल की सजा या आपको फाइन भी देना पड़ेगा। और यही जो है इन्होंने ट्विटर से कहा है, किसने, हमारी ऑनरेबल गवर्नमेंट ने, और यही पूरी आती है डिबेट ह्यूमन राइट्स को लेकर, ठीक है। चलिए ये भी हमारा जो है सर खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं हम, जो है आगे बढ़ते हैं हम सर जी, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एक न्यूज है, ठीक है, ये म्यांमार की न्यूज है, ठीक है, तो इसके बारे में आई वोंट बी डिस्कसिंग इट, ठीक है। म्यांमार की न्यूज है, ये मैं डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन कर चुके हैं सर, ठीक है। म्यांमार की न्यूज थी, इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बड़ा डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। क्या क्या हुआ है, पूरा डेवलपमेंट है, बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसे आप पढ़िएगा, बहुत ईजी है। बाकी इतना कहूंगा कि 2011 से पहले भी, 2011 से पहले म्यांमार में मिलिट्री रूल था, 2011 को जो है सू की जो है रिलीज हुई थी, 2015 में यहाँ पहला इलेक्शन हुआ था जिसमें सू की पार्टी जीत गई थी, और फिर 2020 में यहाँ दूसरा इलेक्शन हुआ जिसमें सू की पार्टी दोबारा जीती, बट मिलिट्री की जो ब्लैक पार्टी थी वो हार गई, और इनका आरोप लगा कि इन्होंने बहुत सारे वोटर्स को जो है वोट देने नहीं दिया है और इलेक्शन में क्या हुआ, धांधली हुई है। तो जनरल, जो आर्मी जनरल है, उन्होंने जो है कोप किया और पावर को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। अब ये देख लीजिए, बैक टू द डेज,
कहीं तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इजी है, ज्यादा वो तो नहीं है। टाइम देखते हैं, टाइम के हिसाब से देखिएगा जाएगा सर कैसा होगा, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है अभी टाइम है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए क्या है, ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है फैब वन को क्या हुआ सर, तो जनरल स्टेज ऑफ कोप, जनरल ने कोप किया, डिटेनिंग नोबेल पीस प्राइज विनर ऑंग सैंग सू की एंड अदर लीडर ऑफ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन पी डाउन रेट्स। ठीक है, इनको क्या किया, डिटेन किया। ठीक है, इन डूइंग सो दे एंड म्यांमार 10 ईयर एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी आफ्टर क्लोज टू 50 ईयर्स ऑफ मिलिट्री रूल। मैंने यही कहा था, क्यों, 2011 में जो है इसको रिलीज किया और 2020 में फिर डिटेन कर दिया। 10 साल क्या हुई, डेमोक्रेसी हुई। 2011 से पहले क्या था, मिलिट्री रूल था 50 साल तक। द जनरल जस्टिफाई द कूप बाय क्लेमिंग फ्रॉड इन नॉर्मल इलेक्शन, जिसमें सूगी की पार्टी जीती थी उसने कहा भाई इसमें फ्रॉड हुआ है। और जनता को क्लेम्स अ वन ईयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड प्रॉमिस टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन बट ऑफर नो टाइमलाइन। ठीक है, तीन को क्या हुआ है, द मिलिट्री अथॉरिटीज ब्रिंग एन ऑफशोर चार्ज अगेंस्ट 75 ईयर ओल्ड सू की ओवर अनरजिस्टर्ड वॉकी टॉकीज एट हर होम एंड ऑफेंस अंडर म्यांमार इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल्स। इसके घर में क्या है, अनरजिस्टर्ड वॉकी टॉकीज है, ये चार्ज लगाया है किसने, मिलिट्री के मिलिट्रीन पे, और कहा है ये म्यांमार की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स के खिलाफ है। इंटरनेट सर ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और क्या किया है, जो सोशल मीडिया है उनसे कहा है कि आप इसमें मत पढ़िए, कोई ऐसा चीजें मत फैलाइए, इसके बीच में मत पढ़िए। ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट हुआ है सर, इसे पढ़िएगा, इतना टफ नहीं है। बाकी जो मेन था वो इसी इतने था, वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, इजी है, पता होना चाहिए। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, इंडिया चाहता है यहाँ पर डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, बट चाइना का स्टैंड यहाँ क्या होना क्या है बताऊंगा आपको, चाइना का स्टैंड यहाँ कुछ नहीं है, चाइना का स्टैंड यहाँ पर ये है, चाइना ये चाहता है, चाइना ने पहले भी जो है म्यांमार से चाइना के अच्छे संबंध थे जब यहाँ पर मिलिट्री रूल था, और चाइना ने अभी ऐसी कोई बात नहीं की है कि वहां पर डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए, चाइना ने ऐसी कोई बात वहां नहीं की है। इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज ने सपोर्ट किया है डेमोक्रेसी का और कहा गया कि जल्दी से वहां डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए ताकि इसको आपस में जो है सुलह कर लेनी चाहिए। चलिए, ये एक आखिरी न्यूज है हमारे पास और बहुत ही अच्छी न्यूज है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। कुछ दिनों में क्या हुआ है, जैसा आप लोग जानते हैं श्रीलंका ने क्या किया है, श्रीलंका ने जो है ईस्ट कोस्ट टर्मिनल, श्रीलंका ने ईस्ट कोस्टल टर्मिनल से इंडिया को बाहर निकाला है। श्रीलंका ने ईस्ट श्रीलंका ने ईस्ट कोस्ट टर्मिनल से इंडिया एंड जापान को जो है बाहर किया है। ये एक 2019 में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोलंबो पोर्ट टर्मिनल एग्रीमेंट। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इससे यूनिलैटरली जो है श्रीलंका ने इंडिया जापान को जो है बाहर कर दिया है। कब, 3 से 4 दिन पहले की ये बात है, हम पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर इसके अलावा कंगन शेट ने क्या किया है, कहा है कि आप वेस्ट कोस्ट टर्मिनल जो है वो ले लीजिए। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी यह है, अभी जो मेन डेवलपमेंट क्या है, अभी यह है कि श्रीलंका क्लियर्ड अ चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट इन 3 आइलैंड्स। एक मिनट दीजिएगा सर। ठीक है, ये पूरा ही लाल हो गया। ठीक है, चाइना क्लेम्ड 3 आइलैंड्स ऑफ जाफना पेनिनसुला दैट आर बेयरली 50 किलोमीटर्स फ्रॉम तमिलनाडु कोस्ट। सिंपल शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा, अपना जो है ब्रह्मास्त्र खोलते हैं और हम आते हैं कहां पर, अपने डायग्राम में 3 आइलैंड है, एक है आपका डेल्ट, अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हुआ मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि नाम ही टफ है कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाऊंगा, डेल्ट। दूसरा है नैना तीवू और तीसरा है अनालाई तीवू, नैना तीवू और डेल्ट, ये 3 आपके आइलैंड है जहां पर जो है चाइनीज कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी। क्या करेगी, बात करेंगे। और ये आइलैंड कहाँ है, हमारे देखिए इंडिया के बॉर्डर से बहुत पास है, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया के लिए ये है। ये देख लीजिए, ये हमारा रामेश्वरम है और ये वो आइलैंड है, देखिए कितने पास है, 50 किलोमीटर लगभग। ठीक है, अब न्यूज में आते हैं, न्यूज क्या है, अब इंडिया ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है। ठीक है, इंडिया हैज नॉट कमेंटेड ऑन डेवलपमेंट, इंडिया ने कोई कमेंट तो किया नहीं डेवलपमेंट में क्या है क्या नहीं है, बट सोर्सेज इन कोलंबो सेड कंसर्न वर रेजिंग साइटिंग द प्रोजेक्ट साइट प्रॉक्सिमिटी टू द इंडियन कोस्ट लाइन। ऑब्वियसली बात है सर, आप अगर इंडिया की कोस्ट लाइन में जाएंगे प्रोजेक्ट तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से हम लोग जो है दिक्कत आएगी हम लोगों को। अब है क्या, सिनोसोर एक्टविन कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है इन चाइना टू इंस्टॉल हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इन नैना तीवू, बेल्ट और ये तीसरा आइलैंड है। ठीक है, अना
लाई थी वो। यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का जो है इंस्टॉलेशन है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, हाउसिंग जो है प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक बार 2018 भी ऐसा हुआ है कि इंडिया ने अपनी वॉइस कंसर्न की थी जब चाइना ने 300 मिलियन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वॉर अफेक्टेड एरियाज में किया था, कहां पर, नॉर्थ श्रीलंका में, और इंडिया ने कंसर्न लिया और फिर उसको रोका गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दो चीजें और है, ठीक है। जब वेन अ चाइनीज सबमरीन कॉल्ड एट द कोलंबो पोर्ट इन 2014, तो दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली ने विरोध किया कि चाइनीज सबमरीन कोलंबो पोर्ट में 2014 में क्यों बुलाई गई, ठीक है। और इसके अलावा जो हम बात कर चुके हैं कि नॉर्थ में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट था उसको भी इंडिया ने, तो दो चीज में हमने किया है 2018 में, ठीक है, जो सबमरीन आई थी कहां पर, कोलंबो में, उसका विरोध किया है। सेकंड क्या है, हमने किसका विरोध किया है, नॉर्थ श्रीलंका में जो हाउसिंग थी, और ये दोनों जो है इंडिया का विरोध सक्सेसफुल रहा था। और अभी क्या हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी इंडिया के जो बहुत ही हमारे मतलब मान लीजिए बॉर्डर के प्रॉक्सिमिटी में ही है, ये देखिए ना कितना प्रॉक्सिमिटी में है, और यहां पर बन रहे हैं इनके रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट। तो देखते हैं सर इंडिया क्या करती है, अभी इंडिया का कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, जैसे ही आता है हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी आई गेस न्यूज हमारी पूरी हो चुकी है, देख लेते हैं कोई न्यूज बची तो नहीं है, आप भी देखिए कोई डायग्राम नया तो नहीं है इसमें, ये देखा हमने, ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आई गेस हमारा आज का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। एक इकोनॉमी की न्यूज है बता देते हैं हल्का सा, ठीक है, इकोनॉमी की न्यूज है बता देते हैं हल्का सा, क्या है कि पैनल स्लैम्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फॉर डिले इन 5G ट्रायल्स। 5G ट्रायल्स जो है डिले हो रहा है, और कहा गया है कि N21 तक सिर्फ पार्शियल हम कर पाएंगे, और मतलब कि टाइम लग, बेसिकली 5G आने में टाइम लग जाएगा, उतने ट्रायल्स अभी हमने किए नहीं है। स्लैमिंग द गवर्नमेंट फॉर ले बैक अप्रोच एंड डिले इन कंडक्टिंग 5G ट्रायल्स, अ पार्लियामेंट्री पैनल हैज सेड दैट ऑफिशियल प्रिपरेशन वर्क हैज नॉट बीन अंडरटेकन फॉर इंट्रोड्यूसिंग 5G सर्विसेज इन इंडिया एंड द कंट्री वाज लाइकली टू विटनेस ओनली पार्शियल डेवलपमेंट बाय 2021 एंड। हमने उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि 5G आने में थोड़ी देर लग जाएगी सर, ठीक है। ये हमारे रजत कथूरिया साहब ने जो लिखा है ये भी अच्छा लिखा है, बजट इंफ्रा पुश विद सपोर्ट टू, बजट इंफ्रा पुश विद सपोर्ट टू वर्स्ट अफेक्टेड वुड हैव बीन बेटर। देखिए बजट मैं पढ़ा रहा हूं अपनी डिफरेंट वीडियोस में, तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर, ये कहना चाह रहे हैं हमने बजट में अच्छा खासा एलोकेशन किया है, लेकिन एलोकेशन क्या है ना कहीं हमने एक ऐसी लॉबी के लिए चीजें तैयार की हैं जो कि ऑलरेडी रिच थी, और समझिए वही लॉबी है जो देश को आगे ले जा सकती है, वही लॉबी है जो एम्प्लॉयमेंट देती है, वही लॉबी है जो देश को आगे ले जा सकती है। तो बजट उनके हिसाब से आया है, और कहीं ना कहीं कुछ सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स है, मनरेगा हो गई और बहुत सारी स्कीमें हैं, वहां पर बजट का एलोकेशन जो है वो कम किया गया है। तो यही राइटर का भी थॉट यही है, बाकी मैंने पढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बजट पढ़ा रहा हूं, तो बजट में सारे स्कीम पे कितना फंड दिया गया है वो मैं डिटेल आपको डिस्कस करूंगा, तो आई गेस ये न्यूज मैं आपको पढ़ा ही लूंगा बाद में, ठीक है। ठीक है, और कोई न्यूज हमारे पास देखते हैं, और कुछ नहीं सर, और सिर्फ आपका ही कह सकते हैं कि हमने एक कहानी पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, फ्यूचर ग्रुप की कहानी थी, फ्यूचर ग्रुप और अमेजन के बीच में जो आपका विवाद चल रहा था, जिसमें कि फ्यूचर ग्रुप ने अपनी एसेट जो है लिखी थी किसी रिलायंस को, और अमेजन ने इसके विरोध किया था, कहा था कि यार मेरे पास है ऑप्शन राइट टू रिफ्यूजल का, लेकिन आपने मुझसे नहीं पूछा, और इसको लेके अमेजन गया कहा सिंगापुर में, और सिंगापुर की ग्रुप ने जो है अमेजन को जीता घोषित कर दिया और कहा ये सही नहीं है। लेकिन फिर दिल्ली में जो है हाई कोर्ट में अपील की किसने, फ्यूचर ने, और हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, और हाई कोर्ट ने कहा भाई जैसा जैसा पहले थे वैसी रहो, हम इस चीज को मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डील को सर्टिफाई किया था। अभी क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट के जो दिल्ली हाई कोर्ट का सिंगल बेंच था जिसने कहा था कि आप स्टेटस क्यों रखिए, अभी उसको स्टे लगा दिया है और कहा है कि ये अभी क्या है, उसने डिसीजन को जो है स्टे लगा दिया है फिलहाल के लिए, और रिलीफ मिल गया किसे, फ्यूचर ग्रुप को, अभी वो आगे बढ़ के अपने एसेट्स को जो है बेच सकते हैं, या वो ऑलरेडी बेच दिए हैं।
ठीक है, तो अभी ये ऐसा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी क्या है कि जो ये आपके इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर जो होते हैं ना, आपके सिंगापुर जो होता है, जब कंपनी हमारे इंडिया में आती है ना, तो बहुत सारी कंपनी हमसे डील साइन करती है, जैसे रिलायंस इंडिया और रिलायंस का, गवर्नमेंट का और रिलायंस का अगर कोई विवाद होगा तो हमने ये डील साइन की है कि हम क्या करेंगे, हम आगे अपना विवाद जो है इंडिया के कोर्ट में नहीं सुलटाएंगे, उसे हम एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर के पास ले जाएंगे जो कि सिंगापुर में है, समझ रहे हैं। तो ये हमने कुछ डील साइन की है, और यहाँ पर भी वही हुआ, फॉरेन कंपनी थी तो ये कहाँ गई, विदेश गई। एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर होता है जिसका इंडिया एक सिग्नेटरी है, वहां पर इसका विवाद का समाधान हुआ है, लेकिन उस डिसीजन को अभी तक हम लोगों ने माना नहीं है। उन्होंने कहा था डील इलीगल है, वेर इन इंडिया के हाई कोर्ट ने कहा है अभी तक ये डील ठीक है। क्या था, आपको नहीं समझना इस चीज में, ठीक है। तो चलिए सर, आई गेस हमारा ये सेशन पूरा हो चुका है, प्लीज मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। आज मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, यकीन करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्योंकि पेपर देखने से ना, जब पेपर हम देखते हैं ऐसे, तो एक अच्छा लुक आता है, प्लस आपको लगता है कि न्यूज कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए सर, अभी के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे अपनी दूसरी क्लास में, और बजट हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सच रहेगा।